जय श्री राम। भीषण संग्राम शुरू हो गया। वानर सैनिकों का पराक्रम अपने चरम पर है और ऐसे में हनुमान जी रावण के सेनानायक दुर्मुख, जो बहुत विकराल था, उसका वध कर देते हैं। इस वध के हो जाने पर सुग्रीव राम जी से कहते हैं, हनुमान जी द्वारा हमारे विकराल शत्रु दुर्मुख का वध हमारी विजय का शुभारंभ है। और इस पर राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, आरंभ और अंत के मध्य का अंतर बहुत बड़ा होता है मित्र, देखते जाइए। इससे यह सीख मिलती है कि सफलताओं पर उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति असावधानी बिल्कुल नहीं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आनंद में नहीं डूबना चाहिए। रावण का पुत्र प्रहस्त्र वानर सैनिकों पर काल बनकर टूट रहा है और लक्ष्मण जी ने खेल ही खेल में उसे यमलोक भेज दिया। इस पर प्रसन्न होकर श्री राम ने साधुवाद दिया, प्रहस्त्र जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए। खर का बेटा मकराक्ष बदले की आग में जलता हुआ युद्ध के लिए आता है और ललकारते हुए कहता है, मेरी मां ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो राम का कटा हुआ सर न देख लेंगी, मेरे पिता खर का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी। ये सुनकर वहां उपस्थित लक्ष्मण, अंगद आदि सभी हंसते हैं। पर इतने में राम जी वहां आते हैं और ये कहते हैं, किसी वीर के संकल्प का उपहास वीरों को शोभा नहीं देता। इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। श्री राम वीरों को यथोचित सम्मान भी देते हैं और साथ ही उनकी चुनौती भी स्वीकार करके उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। कुछ देर के युद्ध के बाद मकराक्ष राम जी के हाथों मारा जाता है और फिर राम जी उसके संकल्प और वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत राम तुम्हें प्रणाम करता है। युद्ध के पहले ही दिन दुर्मुख, प्रहस्त और मकराक्ष जैसे महादानवों के मारे जाने से रावण बौखला गया और स्वयं ही युद्ध के लिए आता है। वो सबसे पहले श्री राम को ललकारता है और सुग्रीव पहला मूर्छा संभालते हैं। रावण के आघात से वो मूर्छित हो जाते हैं और रावण उन पर अपना बाण चलाने ही वाला होता है कि लक्ष्मण अपने बाण से रावण का बाण काट देते हैं और कहते हैं, मूर्ख, मूर्छित योद्धा पर प्रहार कर रहे हो, तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं आते। और रावण कहता है, जो रणभूमि में आ गया वो हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। और इस पर लक्ष्मण कहते हैं, सही कह रहे हो तुम, जैसे असभ्य लोगों को नीति नियम की बातें कहां से समझ में आएंगी। यदि आज देखा जाए तो उस विचारधारा के लोग और वो छद्म युद्ध आज भी चल रहा है। इसी प्रसंग में लक्ष्मण का एक और संवाद बहुत ध्यान देने योग्य है। वो रावण से कहते हैं, भ्रष्टाचारी अन्यायी जब शब्दों से निरुत्तर हो जाता है तो वो शस्त्रों का प्रयोग करता है और ऐसे में विवश होकर सभ्य लोगों को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। रावण से युद्ध करते करते लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और ऐसे में रावण के सम्मुख श्री राम आते हैं। श्री राम उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसे समझाते भी हैं। वो रावण से कहते हैं, रावण, जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है। रावण, इसी अवस्था का नाम है दुर्दशा। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि धन संपत्ति, बल वैभव चाहे जितने भी हो जाए किसी के पास, पर यदि वो इंसान
सत्य और धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। रावण ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से राम जी पर प्रहार किए, परंतु श्री राम ने उसके दिव्य अस्त्र शस्त्र काट दिए। उसका रथ, उसके रथ की ध्वजा, पताका, सभी कुछ नष्ट कर दिया और बोले, रावण, केवल पार्श्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। राम जी ने देखते ही देखते रावण को अस्त्र शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन, सम्मानहीन अवस्था में पहुंचा दिया और फिर कहा, रावण, हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते, यह है रघुवंशों की वीरता। अब जाओ और कल फिर शस्त्र लेकर। रावण लज्जित अपमानित अवस्था में वहां से लौटा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली, वो अभी भी मद में चूर है। और फिर उसने कुंभकर्ण को जगाने का निश्चय किया। जय श्री राम।